बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम दरभंगा को एक्सप्लोर करने के लिए। तो वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं देखने के लिए, जो पुरानी हमारे दरभंगा महाराज की चीज़ें हैं वो रखी गई हैं म्यूज़ियम में। और दोनों बाइक जा रही है आज, अपाची 160 और हमारी वर्जन 3 भी। तो चलिए चलते हैं वहाँ और पूरे म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को बताते हैं वहाँ क्या क्या है देखने के लिए और क्या सब है दिखाने के लिए। So let's go। चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी। और अभी हम लोग पहुंचे हैं टावर चौक। और कुछ दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा बाइक ख़राब हो गया था, तो उसकी मैं वीडियो क्लिप डाल दूंगा आप लोगों को, आप देख लेना कि मेरे बाइक का हैंडल ख़राब हो गया था जिस कारण से मैं राइड नहीं कर पा रहा था, इसलिए ब्लॉग भी नहीं आ रहा था। इस रोड में तो हमेशा भाई जाम लगा ही रहता है। इस रोड में जब भी आप 10 बजे के बाद निकलोगे तो आपको जाम हमेशा लगा ही मिलेगा, बिकॉज़ रोड छोटी है और हर तरफ गाड़ियां लगी होती है, पार्किंग की भी जगह है नहीं, इसलिए हमेशा जाम 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 लगा ही रहता है। अभी हम लोग पहुँचे हैं आर्मी मेमोरियल और जाम छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई, बड़ा मुश्किल हो गया है इन रास्तों पे दिन के टाइम में निकलना। अरे बोलो ना, सूरज की किरणें आने दे मेरे मित्र, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी। सुने ना, देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा। और सारी पहुंच चुके हैं और हम लोग पहले पुराने वाले म्यूज़ियम को कवर करेंगे क्योंकि नया वाला म्यूज़ियम जो है उसमें बहुत सारे कुछ दिखाने को मना किया गया है, उसकी वीडियोज़ ही नहीं बना सकते हम लोग अंदर से, इसलिए पहले पुराने वाले म्यूज़ियम को कवर करेंगे, फिर नए वाले में आप लोगों को दिखाएंगे क्या सब देखने को मिलेगा। तो बाइक लगाते हैं और फिर आपको मिलते हैं। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं म्यूज़ियम और इस साइड में आप लोग देख सकते हो ये पुराना म्यूज़ियम है, पहले जो भी चीज़ रखा हुआ था सारा इसी में था, बट अभी न्यू वाले में चला गया। चलते हैं आगे। साइड में आप लोग देखोगे तो बहुत बड़ा तालाब आप लोगों को नज़र आएगा, तो यहाँ आप आराम से बैठ के चिल कर सकते हो। और अभी ठंडी का टाइम है तो यहाँ दोपहर के टाइम में बैठने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है और बैठ के आप लोगों को मज़ा भी आएगा। यहाँ अगल बगल में बेंच भी बनाए गए हैं जहाँ आप बैठ के नेचर का फील ले सकते हो। ये रहा हमारे सामने न्यू पुराना वाला म्यूज़ियम, न्यू वाला तो साइड में है, ये पुराना वाला म्यूज़ियम। तो यहाँ आप लोग नाम देख सकते हो, महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय। इस म्यूज़ियम का मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, इससे पहले जो लोग वीडियो डाले हुए हैं वो कहाँ से डाले हुए हैं। मैं अभी कुछ यहाँ के पदाधिकारियों से भी पूछा तो वो उन्होंने इसका जवाब देने से साफ मना कर दिया, और जब हम लोग वीडियो बनाने के लिए गए उनसे परमिशन ली तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पर वीडियो बना नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ ऐसी सरकार से कि क्यों पर्सनल उनको मोदी जी या सीएम साहब आके बोल तो नहीं दिए हैं कि तुम वीडियो बना सकते हैं और बाकी लोग नहीं बना सकते हैं। तो ये चीज़ बुरा लगता है यार, कहीं ना कहीं आप बिहार टूरिज़्म को प्रमोट करने के बजाय उसको उसकी निंदा करवाते हो, ये चीज़ बहुत बुरा लगता है।
तो कुछ वीडियोज़ मैंने चोरी छुपके से लिए हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं नए वाले म्यूजियम में और वहाँ देखते हैं, वहाँ भी यही सीन है, वहाँ भी अंदर का जो चीज़ रखा गया है उस सब का वीडियो लेने से साफ मना कर दिया जाता है, तो बाहर बाहर की चीज़ें ही आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये है हमारा नया वाला म्यूज़ियम और यहाँ के बाहर का सीन भी आप देख सकते हैं। पूछते हैं अंदर वीडियो बनाना अलाउ होगा तो बनाएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। ओके, सीन है यहाँ भी अंदर वीडियो लेने से मना कर दिया गया है, तो आप लोग बाहर का नज़ारा देख सकते हो। बाहर की जो वीडियोज़ हैं जैसे कि स्टैचू वगैरह बनाई गई है तो वो दिखाते हैं, अभी चलते हैं पीछे, पीछे में ये स्टैचू वगैरह है बना हुआ तो वो आप लोगों को दिखाते हैं। साइड में आप लोग देखोगे तो सीता जन्म का दृश्य दिखाया गया है और इस साइड में जो महाराज की प्रतिमा है तो महाराज का शासनकाल था उस सबके बारे में दिखाया गया है। तो आप यहाँ आके एक्सप्लोर करना, यहाँ की बहुत सारी स्टैचू है, तो उतनी स्टैचू अगर मैं सारे का डिटेल्स देने लगूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो कुछ के आप सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो। भाई यही है नया वाला म्यूज़ियम जिसमें कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो पीछे के सिनेमैटिक्स आप लोगों को आई होप कि अच्छे लगे होंगे। तो यहाँ आप लोग टाइम पास करने के लिए आ सकते हो, हाँ, बट वीडियो नहीं बना सकते हो, आके चिल मारो आराम से। और इस साइड में पार्क भी है जहाँ पर बहुत भीड़ रांझे बैठे रहते हैं, और कोई नहीं बैठता भाई, हम लोग आधे एक घंटे से यही देख रहे हैं, सिर्फ लड़के लड़कियाँ और कोई नहीं नज़र आया यहाँ पर। तो इस वीडियो को ख़त्म कर देना चाहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रख ले, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।